गाइस, मैं आज छोला बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले छोला और आलू को साथ में मैं भाप ली हूँ, और ये अदरक लहसुन और मिर्च का ये पेस्ट है। चूल्हा में मैं कढ़ाई को चढ़ा ली हूँ और तेल डाल ली हूँ। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें तेज पत्ता को डाल लेती हूँ और उसके बाद मैं प्याज को डाल लेती हूँ और इसे ब्राउन होने देती हूँ। अब मैं इसमें लहसुन अदरक और जीरा का पेस्ट को मैं डाल करके भून लेती हूँ। अब मैं इसमें काबुली चना को डाल करके भून लेती हूँ। अब मैं इसमें मिक्स मसाला डाल लेती हूँ। अब मैं इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर को डाल लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट को मैं डाल लेती हूँ। और इसे मिक्स कर लेती हूँ, अच्छी तरह से भून लेती हूँ। अब मैं इसमें ये मसले हुए आलू को मैं डाल लेती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें ये काबुली चना का पेस्ट को मैं पीस ली हूँ, इसे मैं डाल लेती हूँ। इससे ये गाढ़ा होगा, इसलिए मैंने इसे पीस करके इसमें मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें पानी को मिला लेती हूँ, ये गर्म पानी है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेती हूँ और एक उबाल आने देती हूँ। ये उबाल आ चुका है, अब ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें गरम मसाला को डाल लेती हूँ और इसे मिक्स कर लेती हूँ। देखिए गैस, ये हमारा काबुली चना का ये रेसिपी बनके रेडी हो चुका है। हमारा ये काबुली चना का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।